हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ एलसीएम फाइंड आउट करना बाय डिवीजन मेथड 16, 40 और 20 का। ठीक है, तो क्या करेंगे, 16 को यहाँ पे लिखें, कोमा 40 कोमा 20। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जब भी प्राइम फैक्टर स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना, हम लोग लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं कि नहीं। तो इनमें से अगर एक नंबर भी 2 से डिवाइड होता है तो हम यहाँ पे 2 ही लेंगे। ठीक है, पहले तो देखें आपको क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो ये तो पता चल रहा है 2 के टेबल में 16 भी आता है, 20 भी आता है और 40 भी हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, रूल सुन लें, आपने कोई नंबर और इसके अलावा भी चेक करना हो तो वो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, उसके लिए ये रूल होता है किसी भी नंबर का अगर लास्ट 0 या 2 या 4 या 6 या 8, किसी भी नंबर का अगर लास्ट डेट इनमें से होगा ना, इसका क्या मतलब है, वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 16 का लास्ट डेट 6 है, इनमें से है ना, 40 का लास्ट डेट 0 है, इनमें से है, इसी तरह 20 का लास्ट डेट 0 है, इनमें से है, तो ये पूरे नंबर डिवाइड हो रहे हैं 2 से। ठीक है, सारे नंबर ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, सही है। तो हम यहाँ पर 2 ले लेंगे, 2 के टेबल में 16 आता है 8 ज़ार, 2 के टेबल में 40 आता है 20 ज़ार, 2 के टेबल में 20 आता है 10 ज़ार। अब देखें ये फिर से 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे 2 ही लेंगे, 2 के टेबल में 8 आता है 4 ज़ार, 2 के टेबल में 2 आता है 1 ज़ार और 0, 2 के टेबल में 10 आता है 5 ज़ार। अब देखें ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं हो रहा। तो मैंने आपको कहा था एक नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो आपने पहले यहाँ पर 2 ही लेना है, तो ये तो 2 हो रहे हैं, ये नहीं भी हो रहा तो इसको वैसे ही लिख लेंगे। 2 के टेबल में 4 आता है 2 ज़ार, 2 के टेबल में 10 आता है 5 ज़ार और 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 को 5 वैसे ही लिख लें। अब देखें ये तो डिवाइड नहीं होता 2 से, ये भी नहीं होता, तो ये हो रहा है तो हम यहाँ पे 2 ही अभी लेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 ज़ार, 5 नहीं आता इसको वैसे लिख दें, इसको भी वैसे लिख दें। अब 5 एक प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल में आता तो यहाँ पे 5 ले लेंगे, 5 1 ज़ार और 1 ज़ार, यहाँ पे 1 1 1 आ गया, यहाँ पे स्टॉप हो गया आपका। ठीक है क्वेश्चन, अब देखें आपने यहाँ पे लिखना है एलसीएम ऑफ 16, 40 एंड 20। लिख लिया, उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आप यहाँ पे लिखें, 4 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 5 है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 5 ज़ार कितना होता है, इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 6 5 ज़ार 30, 0 इधर 3 कैरी, 5 1 ज़ार 5, 5 में 3 प्लस करें 6 7 8, तो क्या आ गया, 80 आ गया। ये क्या है, हमारे पास एलसीएम आया 16, 40 और 20 का 80, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। बात की जाए एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की तो उसमें क्या होता है, तो देखिए एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, जैसे 3 नंबर्स के हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स अलग फाइंड आउट करेंगे, इसके अलग, इसके अलग, करने तो प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड आउट है, लेकिन सेपरेट सेपरेट तीनों नंबर्स के उसके बाद जो फैक्टर्स आ जाएंगे, जो कॉमन है ठीक है वो भी लिख लेना, जो नॉन कॉमन है उनको भी लिख के मल्टीप्लाई कर देना। मैंने इस पर भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, ठीक है, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर, तो आप चेक कर सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, ये जो अभी कर रहे थे ये क्या है, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड है, तो आपने इन दोनों को मिक्स नहीं करना कि एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अलग अलग प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और बाद में जो आ जाते हैं फैक्टर्स उसको, जो फैक्टर कॉमन है जो नॉन कॉमन है उनको लिख के मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड में सबके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं इकट्ठे। ठीक है, होप सो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।